नो मेकअप, नो फिल्टर, नो एक्स्ट्रा लाइट और स्किन जस्ट वाउ। बिलीव मी, मॉर्निंग के बस ये दो स्टेप आपके स्किन को टाइटन, ब्राइटन और ग्लास स्किन अचीव करने के लिए इनफ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने स्किन को बिना फिल्टर के एक्सप्लोर करें तो इसे प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा और सुनिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए। ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वेरी वार्म वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम है लवली और मेरे चैनल का नाम है लवली इनकी दुनिया, जहां मैं जीरो इन्वेस्टमेंट में आप लोगों के लिए काफी सारे डीआईवाई रेमेडी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं। मेरे परिवार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एंड आई एम ग्लैड कि आप मुझे इतना मोटिवेट करते हैं अपने लाइक से, अपने कमेंट से, मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स। जितना भी थैंक्स करो कम है। बट अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आपको इस चैनल का, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए छोटा सा काम करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन बगल में होता है उसे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो में शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। सो आपने भी एक छोटा सा काम करना है, अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लास्ट में एक लाइक तो बनता ही है। सो डे बाय डे हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज होती जा रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। हम अनहेल्दी फूड की तरफ बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, खिंचावपन आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बहुत सारी ऐसी अनहेल्दी फूड है जो हम कंज्यूम करने लगे हैं जिसका जो इफेक्ट है ना हमारे स्किन पे दिखने लगा है। पिंपल्स आना, एक्नेस आना, पिगमेंटेशन एज से पहले आ जाना, फ्रिकल्स आ जाना, छोटे छोटे ब्राउन से दाग हो जाने, ये सारा जो है ना अनहेल्दी फूड की वजह से है, कुछ पॉल्यूशन की वजह से है, एनवायरमेंट की वजह से है। तो अगर आप अपने स्किन को अभी से जो कहते हैं ना हेल्दी बना के रखती है ना, तो आगे चल के आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। कहते हैं ना अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा तगड़ा हो तो कोई भी बीमारी इफेक्ट नहीं कर सकती हमें। उसी तरीके से अगर आप अपनी स्किन को अभी से ही बहुत ज्यादा हेल्दी बना के रख रही है ना, क्योर कर रही है, अपने स्किन पे काम कर रही है, तो आपकी स्किन का जो भी प्रॉब्लम है ना वो तो आएगा नहीं, अगर है तो वो ठीक हो जाएगा। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताने जा रही हूँ कि कैसे आप कॉफी का इस्तेमाल करके अपने स्किन को बेटर ऑफ कर सकती हैं, बहुत सिंपल वे में जो हम रेगुलर कर सकते हैं। और इसकी जो बेनिफिट्स है ना मैं बता नहीं सकती, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, आप खुद इस्तेमाल करें, 7 दिन इस्तेमाल करके देखें, अगर आपको बेनिफिट्स नहीं मिला तो आप मुझे बिल्कुल मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसे एप्लीकेशन इसका करती हूँ और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कॉफी हमारे स्क्रब के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, टैनिंग के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। और आज मैं आपसे एक पैक बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी स्किन को काफी ज्यादा बेटर ऑफ करती हूँ। अगर आप इसे प्रॉपर सुनते, समझते और एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो आपको भी आपकी स्किन के लिए कोई भी ऐसी चीजों का जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे आपकी स्किन पे हाइलाइटर का काम करे, या फिर आपको एक एक्स्ट्रा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अपने स्किन को एक्सप्लोर कर सकती हैं बिना किसी फिल्टर, बिना किसी मेकअप के, जैसे मैं यहाँ बैठ के कर रही हूँ। सो आपको किसी भी चीज के प्रूफ की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं जब भी कैमराज पे आती हूँ मैं कोई भी मेकअप वेयर नहीं करती हूँ एक्सेप्ट लिपस्टिक एंड सनस्क्रीन, एंड यू कैन सी तो मेरी स्किन पे क्या ड्राइनेस नहीं आती, मेरी स्किन इतनी चमकती क्यों है। तो इसका रीजन सिर्फ सिंपल सा है कि मैं डीआईवाई रेमेडी को रेगुलर यूज करती हूँ। अगर आप डीआईवाई रेमेडी को रेगुलर यूज कर रही है ना, तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटन, टाइटन और ब्यूटीफुल होने वाली है। साथ ही आपकी स्किन के से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे इस्तेमाल करना और कैसे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, समझना है। इसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकते हैं, कितने दिन तक करना है और इसके क्या सारे फायदे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग से। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने स्किन को क्लींजिंग करती हूँ। आजकल का मेरा मॉर्निंग रूटीन है ये कि मैं कच्चा दूध से अपने फेस को क्लीन करती हूँ, साथ ही इसमें मिलाती हूँ थोड़ा सा सैफ्रॉन और रात भर के लिए इसे छोड़ देती हूँ। मॉर्निंग होते ही अपने स्किन को कॉटन की हेल्प से इसे डिप करके अपने पूरे स्किन को क्लीन करती हूँ। बिलीव मी, ये बेस्ट क्लींजर है और मेरा खुद का आजमाया हुआ है कि आजकल मैं जब मॉर्निंग रूटीन, जो आज मेरी करेंट रूटीन है वो यही है कि कच्चे दूध में थोड़ा सा सैफ्रॉन मिला के रात भर के लिए छोड़ देना है और इससे अपने फेस को क्लीन करना है। आप सबको पता है कि रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध में विटामिन ए
पाए जाते हैं जो हमारे स्किन पे जाके उसमें इतनी सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे स्किन पे जाके स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं, ये क्लींजिंग करते हैं हमारे स्किन पे और एक्ने से फाइट करते हैं। अगर आपके स्किन पे बहुत सारे एक्ने या पिंपल हो रखे हैं या कोई इरिटेशन हो रखी है तो ये आपके स्किन पे जा करके उसे हील करता है। साथ ही ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही सैफ्रॉन, जो हम केसर जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल मेडिकेटेड प्रूफ है कि हमारे स्किन पे जो भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं, जो हमारे स्किन पे जा करके इसे हील करता है, हमारे स्किन को बिल्कुल, जो कहते हैं ना, हमारे स्किन पे अगर पिगमेंटेशन हो रखी है या फिर आपके स्किन को डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं तो इसे ये ठीक करता है। तो इसे मैंने लगा करके अपने स्किन पे छोड़ देना है 10-15 मिनट ताकि ये पूरा सूख जाए और तब तक हम यहाँ पे फेस पैक तैयार करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सो बी केयरफुल, आपको सही तरीके से देखना है और इसे फॉलो ज़रूर करिए। मैं आपको 200% बता रही हूँ कि आपकी स्किन डे बाय डे बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड टाइटन होने वाली है। तो फेस पैक के लिए भी हम बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एक साफ़ बाउल में थोड़ी सी कॉफ़ी के पाउडर लेंगे। देखिए, कॉफ़ी के पाउडर में ना बहुत सारी कैपेसिटी है हमारे स्किन से टैनिंग रिमूव करने की, साथ ही ये हमारे स्किन से एंटी एजिंग प्रॉब्लम को कम करता है, लाइक फाइन लाइन्स, रिंकल, पिगमेंटेशन को। साथ ही ये हमारे स्किन को ब्राइटन टाइटन भी करता है। ये हमारे स्किन पे जा करके हमारे स्किन के अगर कुछ एक्जिमा जैसी चीज़ों को ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने है या फिर ओपन पोर की समस्या है तो इसे ये क्लीन करने की बहुत ज़्यादा पावर है इसमें। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी यानी शहद। शहद हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसमें रिच अमाउंट ऑफ आयरन पाया जाता है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये बस दो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है तो मैं इसे सिंपल रखती हूँ। बट बिलीव मी, ये जितना सिंपल है उतना ही आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेटर ऑफ करने वाला है। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यहाँ पर आप थोड़ा विटामिन ई के कैप्सूल या फिर थोड़ा सा आप यहाँ पे आमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं आमंड ऑयल का इस्तेमाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो इसे बहुत जेंटली अपने क्लीन फेस में लगाना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कच्चा दूध और सैफ्रॉन मिला के जो क्लींजिंग कर रखी है मैं उसी के ऊपर एप्लीकेशन कर रही हूँ। आपको वॉश आउट नहीं करना है, इसे बस पोंछ लेना है और इसके बाद इसे लगा लेना है। सो, आपको बहुत जेंटली और बहुत स्लोली करना है क्योंकि मैं वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट वे में बनाया है। बट आपको बहुत स्लोली और बहुत जेंटली करना है। देखिए, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसमें अगर रगड़न आप कर रहे हैं, बहुत रगड़ रहे हैं अपनी स्किन को तो ये अपनी स्किन को हार्म कर रहे हैं या रेडनेस आ सकता है आपकी स्किन पर, स्पेशली कॉफ़ी से क्योंकि वो थोड़ा खुरदुरा होता है। हम स्क्रब के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं बट हम यहाँ पे पैक इसको बना रहे हैं तो आपको बहुत स्लोली बहुत जेंटली अपने स्किन पे इसे ब्लेंड करना है। ये ईजिली पेनिट्रेट हो जाता है आपके स्किन पे और मैं 15 मिनट्स इसे अपने स्किन पे रखती हूँ और फिर बाथ लेने चली जाती हूँ। ये मेरा आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रूटीन है स्किन का जो मैं मॉर्निंग में करती हूँ। अगर आप सच में अगर इसी तरीके से कर रही हैं ना, आपको स्किन के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपको कोई भी, जो कहते हैं ना, अपने स्किन को बहुत फेशियल कराना है क्योंकि बहुत काली हो गई है, मुझे ब्लीच कराने जाना, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ख्याल ही नहीं आएगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इन चीज़ों की ज़रूरत आपको लाइफ टाइम नहीं पड़ने वाली है अगर आप इस रूटीन को फॉलो करती हैं तो। मेरा ये करेंट रूटीन है। अगर आप चाहें तो पैक, मतलब अल्टरनेट डेज पे भी लगा सकती हैं बट आपको क्लींजिंग मिल्क से, जैसे मैंने बताया, क्लीन करने वो पर डे आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने उसी मिल्क को यूज़ करके इसे हटा रही हूँ, आप देख सकते हैं, नो फिल्टर, नो मेकअप, नथिंग, एंड आई यू कैन सी कि मेरी स्किन कितनी सॉफ्टन एंड ब्राइटन दिख रही है। बिलीव मी, ये मेरा नेचुरल, जो कहते हैं ना, नेचुरल मैं दिखा रही हूँ, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं, देख रहे हैं सामने, खुद सिंसियर बनिए और मेरे स्किन को देखिए
कि मैंने क्या कहीं पे एडिटिंग की है, कोई मेकअप किया है, नहीं ना। सो आप अगर अपने स्किन को इसी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहती हैं, बिल्कुल वो ग्लास स्किन में देखना चाहती हैं, तो ये मॉर्निंग रूटीन आज ही से फॉलो कर लें, आपकी स्किन डे बाय डे बेटर ऑफ होगी और आपने कहना है थैंक्स। इसके बाद मैंने अपने पूरे स्किन को क्लीन कर लिया है और एक टॉवल की हेल्प से इसे मैं बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ। आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, अगर आप बाथ ले रही हैं तो बाथ के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हैं, एंड पूरे दिन के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। कुछ टाइम के बाद आपको खुद ये फील होगा कि मुझे मेरे स्किन के लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही हैं तो। आपने किसी ने बताना नहीं है, वो आप खुद आप देखिएगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई आप अपने स्किन के लिए क्या कर रही हैं, प्लीज़ शेयर विथ मी। सो आपने यही मॉर्निंग रूटीन आपको यूज़ करना है और अपना कमेंट मुझे आके बताना है। सो आई होप यू गाइस कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसे कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सो आपने भी इस तरीके से इस्तेमाल करके अपना हॉनेस्ट रिव्यू मुझ पे आके शेयर जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं, अपना जो प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट का जवाब दूं और सारे कमेंट की जो इशू है उस पे वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे इस चीज का प्रॉब्लम है, इस पे वीडियो बनाइए या फिर इस पे मुझे वीडियो चाहिए, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मैं बहुत जल्दी आपको इसका रिप्लाई जरूर दे दूंगी। और अगर आपको कोई भी रेमेडी फायदा कर रही है तो उसे भी जरूर शेयर करें ताकि मेरे और भी जो व्यूवर्स हैं उसे मोटिवेट हों और वो भी अगर उनको लगता है कि नहीं ये करेगी तो उन्हें भी मोटिवेशन का एक जरिया मिल जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, काफी सारी मेहनत लग रही है, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखें।